हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेमजी फिजिक्स क्लासेस। हाँ, पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, उसके बाद दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं और उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ जो सिस्टम है उस पर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसको हम अल्जेब्रिकली ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अल्जेब्रा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि चार्ज को ऐड करने के लिए वेक्टर की जरूरत नहीं होती, और दूसरी बात ये सिस्टम में कहीं भी चार्ज है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज ऑफ एनी सिस्टम कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अल्जेब्रा। इस प्रॉपर्टी से हम चार्ज किसी भी सिस्टम के चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अल्जेब्रा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये सिस्टम है और यहाँ डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, -Q5 एंड Q6। ये जो है ना Q6, यहाँ पर एक चार्ज है मान लीजिए, और ये पूरा सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर चार्ज प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज जो हम देखेंगे, क्यू टोटल जो होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q4 माइनस Q5 प्लस Q6, ये पूरे टोटल चार्ज होंगे इस पर। अब ये जो चार्ज होगा इसको हम जैसे न्यूमेरिकली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पर कि एक एक चार्ज यहाँ पर है, मान लीजिए ये 2 माइक्रो कूलम का है, यहाँ पर है 3 माइक्रो कूलम का, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 माइक्रो कूलम का, उसके बाद है -5 माइक्रो कूलम का। तो ये टोटल चार्ज जो हम करेंगे, क्यू टोटल जो होगा वो होगा 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम प्लस 3 माइक्रो कूलम प्लस 4 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम। हम ऐसे ऐड करके इसको लिख सकते हैं 2 एंड 3 5, -50 एंड 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। मतलब हम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर रहे हैं इसको। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर तो क्यू टोटल 6 तक हमने लिखा है, मान लीजिए सपोज कीजिए इफ इफ एन चार्जेस आर प्रेजेंट, अगर चार्ज हो, एन चार्जेस आर प्रेजेंट, अगर एन चार्ज प्रेजेंट है तो हम लिख सकते हैं क्यू एन जो है वो एन चार्ज के केस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्रॉपर साइन के साथ आप लिख सकते हैं कहाँ तक, क्यू एन तक। ओके, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल, इसका मतलब है कि आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं अगर कोई एक सिस्टम में है तो। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरे फिजिक्स में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वही चीज यहाँ है, चार्ज का कंजर्वेशन। लेकिन एनर्जी की कंजर्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, मतलब सॉरी, एनर्जी कन्वर्ट होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता, चार्ज के केस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज का दूसरा फॉर्म तो नहीं आ सकता, चार्ज का तो एक ही फॉर्म होता है। अब ये लेकिन क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसमें हमने पहले तो ये बात है सिंपल सा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो हमने पढ़ा है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। इसी को बोलते हैं या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में हमने लिया है NaCl का। NaCl जब डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होता है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियली जितना चार्ज था फाइनल में भी उतना ही चार्ज होता है, मतलब 0, 1, -0। ओके, यहाँ है सेकेंड एग्जाम्पल में यूरेनियम 92-235। इसमें क्या होता है, जैसे हम हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन से इस पर अटैक कराते हैं तो इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होकर के आपको बनता है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बेरियम एंड क्रिप्टन बनता है। उसके बाद न्यूट्रॉन के थ्री
थ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो इनिशियल चार्ज है जीरो प्लस, इनिशियल जो आप चार्ज करने की इस पे कोशिश करेंगे तो जीरो प्लस 92, ये जो है ना जो एटॉमिक नंबर होता है वही चार्ज डिसाइड करता है। तो जीरो प्लस 92, यहाँ पर 92 होगा, उसके बाद 56, 36 एंड जीरो, 56 प्लस 36 प्लस जीरो, ये इसको ऐड करेंगे तो ये कितना देगा 92, मतलब इनिशियल जितना चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज बचेगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे पेयर प्रोडक्शन। जैसे होता क्या है, आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। तो ये फोटोन्स जो है गामा फोटोन से एनर्जी का फॉर्म है, ये एनर्जी के बाद यहाँ पर ये एनर्जी ले करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ई माइनस और ई प्लस। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों ही वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है, इसमें पॉजिट्रॉन में मास जो होता है इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन, और दूसरे जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, बट मास विल रिमेन इक्वल। ओके, वैसे ही है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं और गामा फोटॉन्स बनाते हैं, मतलब इसकी जब पास में आता है तो आप जानते होंगे कि फर्मी रेंज की जब डिस्टेंस होती है 10^-15 मीटर की, तो वहां पर क्या होता है जब वो आपस में टकराते हैं तो हाई फोर्स से टकराते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी फोर्स की वैल्यू हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में वो एनर्जी क्रिएट करता है, वो गामा फोटॉन्स बनाता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की होती है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम यही पढ़ते हैं कैसे चार्ज कंजर्व रहता है डिफरेंट सिचुएशन में। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज की। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना बेसिक चार्ज प्रेजेंट होगा वो जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज के। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट एंड टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू बेसिक वैल्यू वैल्यू और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन, जहां पर n जो इक्वल होगा किसको होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 s, और e की कोई भी इंटीजर्स होगा, और e की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 1.6 × 10^-19 कूलम्ब की। हम यहां पर यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब e की बेसिक वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पहला क्वेश्चन इसके जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज में चार्ज, मतलब एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो हम देखें क्यू की वैल्यू जो है मुझे दी हुई है वन कूलम्ब, तो यहां से हम एन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू इक्वल टू एन ई है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्यू की वैल्यू दे रखी है वन कूलम्ब और एन जो है वो निकालना है, और ई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो हम यहाँ से क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके तो यहाँ होगा 10 की पावर माइनस 19 और ये होगा आपको 16 इंटू 10 की पावर ऊपर जब जाएगा तो 18। ओके इसको जब हम उसका नहीं है तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना होगा 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे प्रेजेंट होंगे किसमें वन कूलम ऑफ चार्ज। ओके ये याद रखने वाले चीज भी है, मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो कितने होगी ना। ओके अगर मान लीजिए यही पर एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच वन इज ग्रेटर, वन कूलम चार्ज इज ग्रेटर और चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, तो यहां पर हम सिंपली इसका जवाब दे सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर देन द चार्ज प्रेजेंट चार्ज ऑफ वन कूलम्ब, वन कूलम्ब चार्ज से क्या होगा ये छोटा होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे, इसमें हमको सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि हमें यहां पर 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वाटर, मतलब उस पर्टिकुलर में इन दैट पर्टिकुलर वाटर, उस पर्टिकुलर वाटर में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे इसको हमको बताना है। हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट ऑन या हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ए वाटर। ओके तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इतना ग्राम वाटर, तो वाटर तो न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहेगा, लेकिन मान लीजिए अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमसे पूछा जाए हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ओके अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए सपोज कीजिए चार्ज कितना प्रेजेंट होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में है तो दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो इसको अगर प्रेजेंट है तो हमको निकालना है इसमें कि कितने, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे W वेट दिया हुआ है 250 ग्राम वेट दिया हुआ है, और हम जानते हैं मॉलिकुलर मास जो होता है, मॉलिकुलर मास मास जो होता है किसका H2 का, वो कितना होता है 18 ग्राम, हाउ मच दिस 18 ग्राम। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो N होता है और इसमें W अपॉन M, और W की जो वैल्यू होती है 250 अपॉन 18, तो इतना तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। ओके और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो हम पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस पर्टिकुलर इतने ग्राम वाटर में, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, अब इससे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ए मॉलिक्यूल्स जो होंगे टोटल नंबर ऑफ वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, इससे हम क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर।
अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 250 ग्राम अपॉन 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर 0.22 इंटू 10 के पावर कितना होगा 23। तो ये तो आपका हो गया इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब जब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये तरीका है कि मॉलिक्यूल्स में अगर हमको जाना है ग्राम से, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तो मॉलिक्यूल्स हो गया। अब मॉलिक्यूल्स में हर एक जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें, हर एक मॉलिक्यूल्स में किसके, वाटर के, हर एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे हर एक में ले, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पता चल गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो होगा वो होता है ये 250 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 और मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का H2O है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है 2, एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 8 एटॉमिक नंबर, तो टोटल कितना हो जाएंगे 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे। अब ये जो है इसकी जो वैल्यू आती है आपको अप्रॉक्स आएगी 8.33 के आसपास इंटू 10 के पावर 25, ये इसके आसपास आता है इसका वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल गया, एन की वैल्यू जब पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे फॉरवर्ड करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो हम क्या करेंगे इसमें कि क्यू की वैल्यू निकालनी, तो क्यू इक्वल्टी क्या होता है एन इंटू ई, और एन इंटू ई जब मल्टीप्लाई करते हैं कितने 8.33, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, यहां पर थोड़ा सा डाटा मिसप्लेस हो तो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये तरीका है। तो ये जो वैल्यू आता है करीब करीब 133 इंटू 10 के पावर 7, इतना चार्ज आता है, इतना कूलम चार्ज आता है। ओके, तो ये या तो 25 होगा, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लें, और उसके बाद यहाँ इतना वैल्यू होगा। ओके, तो ये है तरीका कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब एक क्वांटाइजेशन का एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जो कि आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर एट वन कूलम ऑफ चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इयर्स ऑफ टाइम लग जाते हैं। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका प्रोसीजर समझ लीजिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उससे यहां पर पहला जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट रिलीजेस 10^9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर इतने सेकेंड पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिलीज 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को रिलीज करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए ये है, यहां पर आंसर कर ले हम इसको, ये जो है 10^9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड रिलीज होता है, तो हमें ये जानना होगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को रिलीज करना है
तो एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो वन कूलम चार्ज इन वन कूलम ऑफ चार्ज चार्ज 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कितने एक कूलम में। अच्छा एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है। तो हम तो ये देखेंगे कि मतलब अगर यूनिटरी मेथड लगाया तो टोटल टाइम टेकन सीधा लिखते हैं टोटल टाइम टेकन ये टोटल टाइम जो लेगा वो है कि एक सेकेंड लगता है इतना को एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने में कितना लगेगा 10^9 सेकेंड। ओके फिर इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज होने में कितना लगेगा तो 10^9 इंटू 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैसे तो 6.25 इंटू 10^9 सेकेंड आ जाएगा बट ये अगर इस सेकेंड को आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो 6.25 इंटू 10^9 अपॉन 3600 सेकेंड तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप इसको क्या करेंगे 24 डेज में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इसको क्या कर देंगे ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 198.8 ईयर्स। ये इतने ईयर्स होंगे। ओके अब हमें ईयर्स कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है चार्जिंग के दौरान चार्ज होता है तो वो उसका जो मास इंक्रीज कर जाता है वो है 10^-9 ग्राम या फिर आप कह सकते हैं 1 नैनोग्राम इतना इंक्रीज हो जाता है तो वो कितना चार्ज या कितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाता है ये दोनों क्वेश्चन है। मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग ऐसा लिखते हैं इस क्वेश्चन को पहले होता क्या है ड्यूरिंग चार्जिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 नैनोग्राम अपना मास इंक्रीज करता है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक कितना समय सॉरी समय नहीं है इसमें इसमें इस बार जो है वो है क्वेश्चन ये है कि ये कितना मास गेन करेगा मास तो गेन करेगा लेकिन कितना नंबर ऑफ चार्ज गेन करेगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब यहां पर जो है नेक्स्ट जो है वो है थर्ड आपने पढ़ लिया था फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट गेंस 1 नैनोग्राम ऑफ मास देन Find the following. A आपको find out करना है okay? अब ये इसमें जो है वो finding क्या करना है कि पहला है question, sorry, answer करने से पहले question तो लिख दो। पहला है total number of electron ट्रांसफर ये जो है ना ट्रांसफर ये निकालना है पहला। उसके बाद दूसरा जो है Total charge present on that object। एक तो बात श्योर है कि इस पर जो है ना दैट ऑब्जेक्ट इस पर जो है वो जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा ये बात तो श्योर है क्योंकि वो मास गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब सॉल्यूशन अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो सॉल्यूशन क्या होगा कि जो ये जो है यहां पर मास जो है वो है 1 नैनोग्राम जी भी लिख सकते हैं 1 नैनोग्राम है और 10^-9 ओके
जी लिख देने से भी चल जाता है, 10^-9 ग्राम है, हमें इसको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 × 10^-9 × 10^-3, और ये जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10^-12 kg, इतना तो आपको मास है। और मास प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी कितना होगा, 9.1 × 10^-31 kg, ये होता है मास। ओके तब जब हम इसको यहां पर ये सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ आप को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालना है। तो यहां बेसिक वैल्यू जो है ना, बेसिक मास की वैल्यू तो एम ई है, एन इन टू क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा, और एन की वैल्यू आपको निकालनी है तो एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा। तो एम की वैल्यू जो है ना वो कितना है, 1 × 10^-12 अपॉन एम ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9.1 × 10^-31। और ये जब आप देखेंगे इसकी वैल्यू, तो लगभग 1 को आप हटा दें तो सिर्फ अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाए यहाँ पर, तो 10^ कितना हो जाएगा, ये 19, और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा यहां से 10^9 × 10^18, और यही सॉल्व करेंगे तो आप 1.1 × 10^18 करके इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये उसमें ये वैल्यू है कि पहला है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/1, तो ये बार बार डिवीजन करेंगे तो 1/1 आता जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो चूंकि हमने क्वांटिटी ऐसी ली है 1 nC लिया है, तो इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, 9.1 लिए रहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है अपन को। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वैल्यू है अपन Q=NE, क्या है Q=NE, ये चार्ज आपको निकालना है। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाली, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपको क्या करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई, तो इनको ये है 1.6 × 10^-19। ओके तो ये जो वैल्यू आएगा 1.1 × 10^-16 × 10^-1, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन वाला वैल्यू, लेकिन हम जस्ट जानने के लिए सीख रहे हैं। एक तरीका मैं पहले बता दूं, ये जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट तरीका हम सीख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्या सीख रहे हैं, एक मेथड सीख रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर बना दूं, या ये क्वेश्चन ऐसे आपको दिए जाएंगे एग्जैक्ट फिगर में, यहाँ होगा 1.6 × 6 और इसको करेंगे तो 1 6 7 1, और वो अपॉन में आ जाएगा इतना 6 कुछ करके इतना कलम आ रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर्स इस तरह से तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एक मेथड से तरीका इससे